बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बंधु देखिए, हम हैं कनक बिहारी जी का मंदिर, जो कि बोरिंग रोड पर स्थित है, झोटवाड़ा जयपुर में, और यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और आज भागवत कथा का तृतीय दिवस है। आइए तृतीय दिवस की कथा सुनते हैं। आज प्रहलाद चित्र चरित्र एवं इसी के साथ में नरसिंह अवतार का ये प्रसंग चल रहा है, तो आइए सुनते हैं कथा, करते हैं दर्शन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मंदिर श्री कनक बिहारी जी, बहुत विशाल और सुंदर मंदिर। देखिए हरियाली ही हरियाली यहाँ पर, और कथा चल रही है तृतीय दिवस की। आज ये कथा, आइए आपको श्रवण करवाते हैं कथा का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम आप दर्शन कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी के। गोपाल जी महाराज की जय। नारायण ना रह करके गोपाल बनना स्वीकार किया। भरत जी चढ़ बन गए, भैया ने घर से निकाल दिया, ये कोई काम का नहीं, पूरा खेत खवा दिया। बोले अब काम बन गया। जंगल में गए तो कुछ डाकू लोग, हम डाकू चाबी डकैती डाले पकड़े रह जाए। किसी ने कहा जंगल में एक मैया रहती है, उनकी सेवा करो, प्रकट हो जाएगी, आशीर्वाद दे देगी, तुम सदा विजयी होगे। तो इस लोग से उन्होंने जाकर के भद्रकाली की उपासना शुरू कर दी। कोई तांत्रिक मिल गया, उसने कहा एक आदमी की भेंट चढ़ानी पड़ेगी, तब मैया प्रसन्न होगी। उन्होंने कहा देख लेंगे, कोई मिल जाएगा। तो भीड़ों ने इधर उधर देखा तो जड़ भरत एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जाकर के उनको पकड़ लिया। बोलो हमारे महाराज बुला रहे, ले गए। क्या करना है, क्या होगा कि तुम्हारी भेंट चढ़ाई जाएगी। हाँ चढ़ा देना, चढ़ा देना। भोजन आदि कराया, सुंदर कपड़े पहनाए, खाते गए। मैया देख रही है मेरे भरोसे निडर होकर के बैठा है, निरंतर हरि स्मरण करता है, इन अधर्मियों ने इनको मारने की सोची और मेरे से वरदान लेना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलि दो, तलवार लेके वो मलेच्छ राजा प्रहार करने को हुआ। भद्रकाली मैया मूर्ति को तोड़ करके प्रकट हो गई। बोलिए कालिका मैया। और खचाखच उन मलेच्छों का संहार कर डाला, सबका वध कर दिया। दूसरों का हित करना चाहते हैं, ये भूल जाते हैं कि जो तो कूं काटा होवे ताहे कोई तू फूल, कोई फूल को फूल है बाकू है त्रिशूल। अगर बुरा करेंगे तो वो त्रिशूल बन जाएगा, और अच्छा करेंगे तो फूल के समान सुख देने वाला हो जाएगा। फिर भी हम स्वार्थ में दूसरों का अनर्थ कर देते हैं। भरत जी से मैया पूछ रही है तुमको डर नहीं लगा। भरत जी कहते हैं मैया से किसी को डर लगता है क्या, नहीं इनसे। बोले मैंने इनकी परवाह ही नहीं की, जाकू राखे साइया मार सके ना। मैया आपका भरोसा है ना। बोले जा सुखी रहे, गुरु बनाने के लिए जा रहा है, पालकी में बैठ के जा रहा है, चार कहार पालकी उठा के जा रहा है। एक बीमार पड़ गया, मेरे से पैदल नहीं चला जाएगा, एक आदमी कोई पकड़ के ले आओ, पैसा दे दूंगे। अब जंगल में आदमी कहां से पावे। जड़ भरत पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे, राजा के सेवकों ने उसी को पकड़ लिया। चलो खड़े हो। भरत जी बोले कहां। बोले राजा की पालकी उठानी है। अच्छा अच्छा चलो चल चल। सेवा के नाम से क्या करना है, करनी है तो करनी है, भगवान ने शरीर दिया ही सेवा के लिए। आज जड़ भरत पालकी उठा रहे हैं, लेकिन करुणा छोड़ी नहीं। सामने देखा तो चींटियां जा रही, पैर से मर न जाए, उछल गए। उछलते राजा का सर पालकी में टकरा गया और राजा गर्म हो गया। अरे तू इतना मोटा ताजा,
और तेरे से चला नहीं जा रहा। अरे ये तो मर गया है, ये क्या चलेगा। पर जो शांत है उठा करके चल, कोई बात नहीं कहने के, ये जहां जाएगा वहां तक पहुंचा लू। आगे और दो तीन लाइन चीटियों की आई, वो कह रहे क्या कर रहे हो। दर्शन कीजिए मातृश्री के, इसी मंदिर परिसर में। रघुकर को क्रोध आ गया, तलवार खींच ली और तलवार खींच कर मारने को तैयार हुआ। जय भोलेनाथ। अब बोल के राजन तुम किसे मारोगे इस शरीर को। ये देखिए कलश यात्रा, ये किस रोज आए थे यहाँ पर स्थापित किए गए कलश। जय भोलेनाथ। नित्यम सीरते इति शरीरम, नष्ट हो रहा है तभी तो इसका नाम शरीर है, ये पलपन मर रहा है, क्या धमकी देते हो। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं चेतन भगवान का अंश परमात्मा का अंश, मैं जीवात्मा। राजन तुम मेरे बारे में कह रहे थे कि ये बड़ा तगड़ा है, मोटा है, खाता है, ये शरीर का धर्म है। मोटा होना, तगड़ा होना, पतला होना, दुबला होना, काला होना, गोरा होना, इसमें किसी के हाथ की बात नहीं है। तुम दूसरों की मजाक उड़ाते हो, खुद मजाक उड़े पड़े हो। तुम अगर इतने स्वस्थ हो तो तुम्हें पार्ट की भी आवश्यकता क्यों पड़ी। और मैं अगर इतना बीमार हूं तो मैं तो तुम्हें कंधे पे उठा करके ले जा रहा हूं। राजा ने कहा कौन हो। बोले अपना परिचय करिए, आप कौन हो। मेरा दुर्भाग्य है जो मैंने तेरा संग किया, और तेरा सौभाग्य है जो तूने मेरा संग किया। मैं तेरा संग करके पशु बना और तू मेरा संग करके राजा बना। तू बना है पिछले जन्म के संस्कार के कारण तेरी वृत्ति मेरे में हो गई और मेरी वृत्ति तेरे में हो गई। मैं दूसरे जन्म में हिरण बना और तू दूसरे जन्म में राजा बना। तू वही है, मैं भी वही हूं। मैं तुमको एक बात सुनाऊं, एक राजा की बात। बोले सुनाओ। एक राजा सुख लेने के लिए, यात्रा के लिए जंगल में निकल पड़ा और उस जंगल में चलते चलते एक कुआं दिखाई दिया। सुंदर पेड़ था, पेड़ पे मधुमक्खियों का छत्ता था। उसने मन में सोचा क्या देख रहा है, एक सांप बैठा है। सांप को देख करके डर लगा, अब तो ये मुझे खा जाएगा। बचू ऊपर पहुंचू कोई ठिकाना नहीं। तभी ऊपर से क्या देख रहा है, मधुमक्खी के छत्ते में सुराग हो गया, उसमें से दो दो बूंद, एक एक बूंद। फिर भी इच्छा कर रहा है, ऐसे भूख लगी ना, प्यास लगी, टपका गिरता है, में लेने की कोशिश करता है, कभी होठ पे, कभी नाक पे, कभी इधर, कभी इधर गिर जाता है, एक आध बूंद मुंह में चली जाती है। और ऊपर क्या देखा, तो चूहे देखे, एक सफेद रंग का चूहा, एक काले रंग का चूहा, और वो दोनों चूहे क्या कर रहे हैं, उस घास को कतरने लग गए। जिस घास को पकड़ के लटका था उसी घास को काटने लग गए चूहे। अब तो हाय राम, मरना पड़ेगा। नीचे नाग बैठा है, ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा है, शहद का रस कभी कभी मिल रहा है, मधुमक्खी भी ऊपर उड़ गई है, खा सकती है, और अब ये दो चूहे और आ गए, ये काट रहे हैं, अब तो मरना ही पड़ेगा। इसका भागवत में नाम है भवार भवात्मी वरण। अच्छा और जीवनी, और जीवनी अभी नहीं मरेगा। वो शहद की नाक, वो क्या सबके मस्तक पे काल बैठा है, भगवान ने जन्म से पहले लिख दिया उस दिन इतने बजे मर जाएगा। अब वो कैसे मरेगा, तो देख रहे हैं पकड़ के लटक रहे, काश क्या है समय, समय को पकड़ के लटक रहे। मेरी आयु मान लो अभी 20 दिन बाकी है, तो 20 दिन और कथा कर लूंगा, 21वें दिन जाना पड़ेगा। समय की घास को पकड़ के लटक रहे, पर दो चूहे काट रहे, दिख रहा
एक काले रंग का, एक सफेद रंग का। काले रंग का रात्रि और सफेद रंग का दिन। दिन आया, समय निकल गया, 20-25 घंटे काट दिए, दिन रात 24 घंटे काट दिए। उतर रहा है, समय कटता जा रहा है, चूहे काट रहे, दिख रहे, अब मरेंगे, अब मरेंगे, फिर भी वो एक दो बूंद आती है ना, फिर भी और जी जाऊं, और जी जाऊं, भक्ति में लीन हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देव गुरु की इच्छा हुई यज्ञ कराऊं, इंद्र की इच्छा हुई यज्ञ कराऊं, तो देव गुरु विस्तृति से कहा, गुरुदेव ये जो गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, इसमें हमारे यज्ञ करना है। गुरु जी बोले, दे देते हैं, हम गुरु बदल लेंगे। बृहस्पति बोले, बदल लो। तो बृहस्पति के ही छोटे भैया को, जिनका नाम है विश्वरूप, गुरु बनाया और उनसे यज्ञ कराया। विश्वरूप की जो माँ थी वो राक्षसों के घराने की थी, और विश्वरूप के तीन माँ थे, एक से सोमरस पीते, एक से अमृत पीसे पीते, और एक से कभी कभी वो भी लगा लेते जब नाना मामा के जाते थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चेला भी ऐसे देखे नहीं होंगे, गुरु भी नहीं देखे होंगे, सिर काट दिया। ब्रह्म हत्या लगी, अब इंद्र भागे, प्रार्थना करी, एकादशी का व्रत किया, हत्या को चार भागों में बांटा, माता बहनों ने लिया, पृथ्वी ने लिया, जल ने लिया, वृक्षों ने लिया। गौंद वन के वृक्षों में दिखाई देता है, काई वन के जल में दिखाई देता है, माता बहन रजस्वला हो जाती है, ये उसी का परिणाम है। और धरती बंजर हो गई, अब बिक जाता है। माता बहनों को वरदान मिला कि तुम बेटा बेटी जन्म दोगी, पृथ्वी को वरदान मिला करके अपने आप भर जाएंगे, वृक्षों को वरदान मिला जड़ने से काटने के लिए तुम्हारे हो जाएंगे। परंतु उनके जो पिता थे वो संतुष्ट नहीं हुए, और उन्होंने वृद्धाश्रम के लिए प्रार्थना की, एक राक्षस बेटा पैदा हो जाए। और उस राक्षस ने ये संकल्प किया कि इंद्र को मारूंगा, भयभीत हो गया। अब वृद्धाश्रम कैसे मरे? ऋषि मुनियों के कहने पर दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान दिया, और विश्वकर्मा ने वज्र बनाया, उससे उस वृत्तासुर का वध हुआ। तेज निकला, भगवान के श्री विग्रह में लीन हुआ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए अजामिल का एक उपाख्यान सुनाया, नाम से बढ़कर दुनिया में और कोई ऐसा साधन नहीं। पापी अजामिल था, वैश्याओं से प्रेम किया, संतों के कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और नारायण के नाम लेने से उस पापी का उद्धार हो गया। वर्णन सुन के जब घबरा गई थी ना, तब ये बताया नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। आज परीक्षक जी कह रहे हैं, गुरुदेव आपने अनेक इस तरह की कथाएं सुनाई मुझे, राक्षसों के साथ तो सदैव भगवान ने अन्याय किया, वृत्तासुर भक्त था तो उसको भी मरवा दिया। ऐसा उदाहरण दे दो किसी राक्षस की भगवान ने मदद करी हो। इतना सत्य प्रहलाद की याद आ गया। एक हिरण्यकश्यप नाम के राजा हुए, ये पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद थे। जी हाँ बंधुओं, भक्त सनातन प्रेमियों, तो आप सुन रहे थे कथा कनक बिहारी जी का ये मंदिर, बोरिंग रोड छोटवड़ा जयपुर से। आगे जैसे जैसे कथा होगी हम प्रयत्न करेंगे कि आपको सुनाते रहे। मैं आपका पूर्णमल पारी जवान भाई, अभी दीजिए मुझे इजाजत, थोड़ी देर बाद में जैसे दूसरी कथा का प्रसंग आता है फिर आपको कथा सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।